क्या आप लोग जानते हैं कि 2023 में सोलर पैनल या सोलर एनर्जी दुनिया के बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको हल करने में अहम रोल प्ले करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर अगले दिन एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, CO2 एमिशन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हो रही है तो उसमें इस चीज को एंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी इंट्रोड्यूस कराई जाए जिसमें ये सारे जो मसाइल हैं इसको ओवरकम कर दिया जाए और इन तमाम का हल उन्होंने सिर्फ सोलर एनर्जी के पास है। और इसमें जो हर अगले दिन नई डेवलपमेंट और इनोवेशन हो रही है, और स्पेसिफिकली अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में सबसे पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने एक ऐसे सोलर पैनल इंट्रोड्यूस करा दिए हैं जो सिर्फ दिन को बिजली पैदा नहीं करते बल्कि अब वो रात के अंधेरे में भी वो सोलर पैनल बिजली पैदा करेंगे। दूसरे नंबर पर वही सोलर पैनल सिर्फ दिन की बजाय रात को भी रोशनी पैदा करने के साथ साथ अगर दिन को बारिश हो रही है तो बारिश में भी वो एनर्जी पैदा करेंगे। और तीसरे नंबर पर अभी पिछले हफ्ते मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक नया पैनल इंट्रोड्यूस कराया है जो किसी भी घर में किसी भी कमरे में विंडो को एज अ विंडो में जो उनका ट्रांसपेरेंट आपका ग्लास यूज होता है उसके अंदर ही उसने वो इनोवेशन लेके आए हैं। और जितनी घर की विंडोज होंगी वो एज अ सोलर पैनल काम करेंगी। और जिस वक्त ये 2023 में सोलर पैनल को वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो एनर्जी की या एफिशिएंट एनर्जी की जो खूबियां होती हैं वो सोलर एनर्जी में पूरी हैं। आप सोलर एनर्जी को इकोनॉमिकल कह सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी पैदा करने के लिए प्रोसेसिंग कॉस्ट आपके बहुत कम होते हैं। दूसरे नंबर पर ये इजी एक्सेस है, आप कहीं भी खड़े होकर ए सोलर के थ्रू या सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी पैदा करके अपनी जरूरियात जो है वो पूरी कर सकते हैं। फिर इसको हम कहते हैं कि ये एफिशिएंट भी है, इकोनॉमिकल भी है, इजी इसकी एक्सेस भी है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर आपने ऑयल प्रोड्यूस करना है या गैस प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, लेकिन अगर हम सोलर पैनल के थ्रू बिजली पैदा करते हैं, एनर्जी का अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो उससे यकीनन जो इन्वायरमेंट है वो किसी हद तक भी आप उसकी डिग्रेडेशन में इसके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। और अब वो ये भी साथ कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया के 50% जो छत हैं यानी सिर्फ आधे छतों को पास सोलर पैनल लगा दिए जाए तो ये एनर्जी की 100% डिमांड जो है वो पूरी कर सकते हैं। और इसमें अगर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों को देखा जाए तो इनको इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक पाकिस्तान में मोर देन 90% टाइम्स हम सोलर पैनल से बिजली पैदा करके अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान को सिर्फ सोलर पैनल को एज अ प्रायोरिटी शामिल करें या इसको एज अ पॉलिसी एजेंडा शामिल कर लें या हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, ये एक जॉइंट वेंचर ऐसा लॉन्च करें कि हर बंदा सिर्फ एक चीज पे फोकस करे कि हमने एनर्जी के लिए सोलर पैनल की तरफ आना है। तो पाकिस्तान अगर सिर्फ एनर्जी पैदा करने के लिए अगर सोलर पैनल को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उसे यकीनन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा हम इंपोर्ट करके उसे बिजली बना रहे हैं उसकी खपत कम होकर हमारा ट्रेड डेफिसिट किसी हद तक कम हो सकता है। दूसरे नंबर पर जब हम इससे सोलर से बिजली पैदा करेंगे तो वो सस्ती होगी, जब सस्ती होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से हमारी जो ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन या पाकिस्तान में जो हाई प्राइसेस हैं वो काफी हद तक कम हो सकती हैं। और तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त इशू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है क्योंकि हम जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं या ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, गैस को करते हैं तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पर कोई भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। इसलिए अब आने वाले दिनों में या स्पेसिफिकली 2023 में सोलर पैनल एक एजेंट ऑफ चेंज के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये सिर्फ उन कंट्रीज में इस्तेमाल होगा जहां पर जो पोलिटिकल या स्टेट लेवल की जो पॉलिसीज हैं उनमें सोलर पैनल को प्रायोरिटी में रखा जाए। और अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे बाकी गरीब मुल्क सोलर पैनल्स को या रिन्यूएबल एनर्जी को अपने एजेंडे में शामिल करेंगे तो उससे वो इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी कम कर सकेंगे।
वो इकोनॉमिक इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, या लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, लोगों के जो बेसिक इश्यू हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उनको भी काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है।